हार्दिक अभिनंदन व्यूअर्स आपके अपने चैनल स्टॉक स्पार्क ट्रेडर्स में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर स्टॉक के बारे में, जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में 2.5% तक की तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक आज एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे तेज़ी का रीज़न क्या है और क्या रहेंगे रेजिस्टेंस लेवल्स, इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में अब क्या करें, कितने टारगेट्स के लिए होल्ड करें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमें ये स्टॉक 234 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता नज़र आया और आज का हाई देखें तो स्टॉक ने 235.70 रुपीज़ का हाई भी बनाया। जैसे कि आज मार्केट में कोई बड़ा जंप तो नहीं देखने को मिला, लेकिन बहुत से स्टॉक्स में एक बढ़िया तेज़ी बनती ज़रूर देखने को मिली, जिसका कारण है इन्वेस्टर्स का मार्केट को लेकर कॉन्फिडेंस अब वापस से आता देखने को मिल रहा है और गुड क्वालिटी स्टॉक्स में बाइंग भी शुरू हो चुकी है और टाटा पावर स्टॉक में आई तेज़ी का कारण भी यही है। लेकिन आज इस स्टॉक में सभी रेजिस्टेंस लेवल्स और मूविंग एवरेजेस को तोड़ा है, जिसके चलते बढ़िया बाइंग आती देखने को मिली। जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस लेवल्स जो थे वो 231 रुपीस, 232.70 रुपीस और 234.05 रुपीस पर थे, जिनको आज ये स्टॉक बड़ी आसानी से क्रॉस करता नज़र आया। उसके बाद 200 डेज मूविंग एवरेज जो कि 231.33 रुपीस थी, उसको जैसे ही स्टॉक ने क्रॉस किया और स्टेबिलिटी दिखाई, तभी से और तेज़ी स्टॉक में बनती देखने को मिल गई। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली फ्री कैश इक्विटी कॉल्स मिलती हैं जो कि हमारी रिसर्च टीम द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब बात करें नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की तो स्टॉक हमें अब 235.50 रुपीज़ के प्राइस पर रेजिस्टेंस फेस करता नज़र आ सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है तो 239 रुपीज़ का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता नज़र आ सकता है। अब बात करें इस स्टॉक के इन्वेस्टर्स की तो कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हुए इन्वेस्टमेंट करने की सलाह हम बिल्कुल देंगे और जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो अब इसे होल्ड करके चलें, क्योंकि ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है और कंपनी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स डेली हमें मिलते देखने को मिल जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में कंपनी की बैलेंस शीट में ज़रूर देखने को मिलेगा और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स इसमें करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हैं और 239 से 246 रुपीज़ के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है वो 227 रुपीज़ का लगा कर चलें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट्स के साथ।